राजा राम इंटरकाले तैयारी करा कर जौनपुर आला शिक्षा में कक्षा 9th के बच्चों का स्वागत है। कल हमने आपको लेसन 2 इंग्लिश का पढ़ाए थे, उसमें से पाठ का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 2। इसमें 2 पार्ट है बच्चों, पहला पार्ट ख़त्म हो चुका है, दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसमें जो है बिस्मिल्लाह खां के ज्ञान की अर्जन की शहनाई के बारे में बात चल रही है। अभी हमने कल 2 पारा बताया था, पहला नंबर आज दूसरा और तीसरा पारा आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप देखिए लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ठीक है। एंड फॉर यहाँ से द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू कंसीडर ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज द स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन ए इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ माई एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड अ रॉयल कोर्ट टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह, ठीक है। पर नंबर 3 है एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराओ इन बिहार। ही रेगुलरली गोज टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। दिस हैपेंड 80 years ago and highest civilian award in India the Bharat Ratna। अब बच्चों इसमें कुछ स्पेलिंग है, वर्ड मीनिंग है, ऐसे हम 3 लाख खाना काट लेंगे। ठीक है, एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ लिख देंगे वार्ड प्रोनंसिएशन मीनिंग शब्द उच्चारण अर्थ वार्ड शब्द की स्पेलिंग है वार्ड वर्ड्स WORDS वर्ड्स यस प्रोनंसिएशन का है PRONUNCIATION
UNCIATION। अगला है, मीनिंग है MENING। ठीक है, अब चलेंगे लिखते हुए हम एस्पियस, AUS, SPCS, SPCS, SUP। ठीक है, वेडिंग माने विवाह। क्या था बच्चों? वेडिंग मीन्स क्या होता है? विवाह। और टेम्पल माने लगभग करीब करीब सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, फिर हो गया एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, हो गया विवाह का शहनाई पार्ट, नौबत, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल हो गया मतलब रीति रिवाज के भाष। कंपोनेंट, कम COM, कम पोनेंट, वहां पर देखिए है कंपोनेंट, कम पो कंपोनेंट मतलब होता है घटक। घटक असेंबल, ए सिंबल, ESE, सिंबल मिस होता है वाद्य यंत्रों का समूह, वाद्य यंत्रों का समूह। ठीक है, यह हो गया सिंबल नाइन, इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र होता है, राल कोट मिस होता है दरबार या राज परिवार के जो सदस्य होते हैं। आगे चलेंगे, बेडिंग हो गया, क्रेडिट माने सम्मान जाता है, ब्रिंगिंग स्टेज, मंच, क्या आता है? मंच, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। सेकंड देखिए, 5 years old बिस्मिल्ला खान प्ले ढुल्ली डंडा, एंशियंट माने प्राचीन समय में, डुमराव आज बिहार, रेगुलरली नियमित होता है, बिहार भोजपुरी
चैता नाम है गाने का। आप कैंट विच ही वाज वुड अर्न बिग लड्डू वेगिंग 1.25 केजी प्राइज गिवन टू द महाराजा। दिस हैपन टू 18 ईयर्स एगो। एगो माने पहले। हाईएस्ट सिविलियन सी वी ली यन सी वी लियन सिविलियंस माने होता है नागरिक। आपको जो है ये सिविलियन हो गया कितना बचा है और नागरिक। नागरिक में जनता होती है। अवार्ड माने पुरस्कार। ए वार्ड ए वार्ड इसके आता है पुरस्कार। ठीक है। एक बार रीडिंग देखिए। लेक्चर नंबर 2 है लेसन का। क्लास 9th है। लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक संगीत के स्वर। तो आप तो एक तो अगले लेसन में पढ़िए। पार्ट 1 पढ़ लिए। पार्ट 2 चलेगा। लेक्चर नंबर 2 है द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसीडर। कंसीडर माने सोचा जाने लगा। एप्सस माने एसपीएस मिस होता है शुभ। कंपोनेंट माने अनिवार्य रूप से। कंपोनेंट माने होता है घटक या अनिवार्य रूप से। एंड दिस इज द रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स इन द इंडिया इन दिस प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग मिस होता है विवाह। इन द पास्ट शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ द 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट टिल रिसेंटली। रिसेंटली मिस होता है हाल ही में जल्दी में। इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट क्रेडिट सम्मान फॉर bringing this instrument onto the classical stage goes to the Ustad Bismillah. As a 5 years old, तीसरा पारा है इसी का part 2 का। As a 5 years old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient एस्टेट आप डुमराहो इन द बिहार। ही रेगुलरली गो टू नियर बाई भोजपुरी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.25 केजी ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। This happened 80 years ago and highest civilian award in India the Bharat Ratna। देखिए बच्चों पहला पारा देखिएगा। एक बार मैं बुक से बता रहा हूँ फिर सांपड़ भी बताऊंगा।
साउंड ऑफ द म्यूजिक, साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू कंसीडर एब्सेंस, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। साउंड माने आवाज़, आप इसके शहनाई माने शहनाई का बिगन टू लगा, टू कंसीडर माना जाने लगा, एब्सेंस माने शुभ। एंड फॉर दिस रीजन, यही कारण है, इट इज स्टिल अभी भी प्लेड इन द टेम्पल। ये कहाँ पर बजाई जाती है, कहाँ पर है, मंदिरों बजाई जाती है। फिर आगे है, एंड इज इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह का अनिवार्य अंग है, किसी भी भारतीय विवाह का अभिन्न अंग है। इन द पास्ट, प्राचीन काल में, अतीत में या बहुत पहले, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई का जो वाद्य यंत्र चलता था नौबत में, किसी या ट्रेडिशनल संबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड इन एनी टाइम रॉयल कोर्ट। इसका केवल प्रभाव जो है मंदिरों और विवाहों में होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिकल स्टेज गो टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय, इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खां को जाता है। शहनाई का जो है मंच पर लाने का श्रेय केवल है बिस्मिल्ला खां को जाता है। फिर देखिएगा, देखिए, द साउंड ऑफ शहनाई बिगन टू कंसीडर एब्सेंस, शहनाई की आवाज़ को लोग जो है शुभ माना करते थे। एंड फॉर दिस रीजन, यही कारण है इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल। यह जो प्रारंभ में मंदिरों में हमेशा बजाई जाती थी या बजती थी, एंड इन एंड इंड डिस्पेंसिबल कंपोनेंट, जो इस वाद्य यंत्र को इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट, इस वाद्य यंत्र को संबल ऑफ द नाइन इंस्ट्रूमेंट है आप फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राज दरबार में, शाही दरबार में जो है नौ रत्नों से एक रत्न का हिस्सा बन के रही। टिल रिसेंटली, अभी हाल ही में, इट यूज टू, यह बजाई जाती थी ओनली इन द टेम्पल। पहले किसने शहनाई बजती थी, टेम्पल में एंड वेडिंग, शुभ विवाह में। वेडिंग माने बच्चों विवाह होता है। द क्रेडिट गोज, यह इज्जत सम्मान जाता है, दिस इंस्ट्रूमेंट, इस वाद्य यंत्र का, एंड टू द क्लासिकल स्टेज गो टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां। यह श्रेय जो है शहनाई को लाने का रंग मंच पर केवल बिस्मिल्ला खां को मिलता है। एट 5 years ओल्ड, जब बिस्मिल्ला खां, व्हेन द बिस्मिल्ला एट 5 years ओल्ड, जब बिस्मिल्ला खां को कितने वर्ष थे, केवल 5 वर्ष के, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा, बिस्मिल्ला खां प्लेड खेला करते थे गिल्ली डंडा नियर ए पांड तालाब के पास। कहां पर, इन द एंशियंट स्टेट, एक प्राचीन क्षेत्र में ऑफ द डुमराहों इन बिहार, जो डुमराहों का बिहार पड़ता है, उसी में प्रारंभ में बिस्मिल्ला खां जो है एक तालाब के पास जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही रेगुलरली गो टू नियर बाई भोजपुरी टेम्पल, ही रेगुलरली वह लगातार गो टू द नियर बाई भोजपुरी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी, वह नियमित रूप से भोजपुरी मंदिर में जाया करते थे, बिहार जी टेम्पल में जाया करते थे, सिंह भोजपुरी
और भोजपुरी गीत को गाने के लिए और क्या चैता है द एंड, अंत में जो है उन्होंने चैता का गाना गाने लगा। विच वुड ही अर्न ए बिग लड्डू, जब वह गाना गा कर के अपना काम समाप्त कर लेते थे तो उन्हें जो है 1.25 kg ए प्राइज गिवन टू द लोकल महाराजा, वहाँ के जो सामान्य महाराजा थे उनके द्वारा जो है 1.25 kg का इनाम के रूप में उन्हें क्या मिलता था, लड्डू। लड्डू खाते हैं ना, वही लड्डू। आप लोग सोचते हैं दूसरा कोई चीज़, कुछ नहीं, वही है। दिस हैपेंड, यह चलता रहा, यह घटना कब की है, 18 years ago, 80 वर्ष पहले की है। एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड माने और हाईएस्ट माने उच्च नागरिक पुरस्कार भारत में प्राप्त किए, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं। भारत रत्न नाम के पुरस्कार को उन्होंने क्या किया, पा लिया। एक बार और देख लीजिएगा दूसरा पैरा, आज 5 years old, जब बिस्मिल्लाह खां 5 वर्ष के थे, प्लेड गिल्ली डंडा, वह गुल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड, एक तालाब के, इन द एंशियंट स्टेट क्षेत्र में जो डुमराहों के बिहार में पड़ता है। रेगुलरली नियमित रूप से गो टू, वह जा करते थे नियर बाई पास बिहारी जी टेम्पल में सिंग ए भोजपुरी चैता गाने के लिए। एट द एंड ऑफ अंत में वो क्या किए, अंत में विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, उन्हें जो है जब गाना समाप्त होता था तो उन्हें जो है 1.25 kg ये प्राइज गिवन द लोकल महाराजा, वहाँ के लोकल महाराज के द्वारा जो है उन्हें जो है 1.25 kg का लड्डू मिलता था। किसके रूप में, प्राइज मीन्स इनाम। फिर आएंगे, दिस हैपेंड, यह घटना है, दिस माने यह, हैपेंड माने घटना है, कब की, 80 years ago, 80 वर्ष पुरानी यह घटना है, जब बिस्मिल्लाह खां 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेला करते थे और भोजपुरी मंदिर में जाकर के गीत गाते थे। गीत गाने के बाद बिहारी भोजपुरी मंदिर के महाराजा उन्हें 1.25 kg का इनाम के रूप में क्या देते थे, लड्डू। लड्डू जानते हैं ना, खाते हैं जो भाई, वही लड्डू और दूसरा कोई नहीं। फिर क्या होता है, एंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और भारत में उच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किए। उच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, भारत रत्न। क्या नाम है, भारत रत्न। अब देखिए आपको जो ये हुआ, अब देखिए वर्डमिन देख लीजिए एक बार, वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, एसपीएस माने जानते हो क्या होता है, शुभ। वेडिंग WEDDING वेडिंग माने विवाह। कंपोनेंट COMPONENT घटक। सिंबल वाद्य यंत्रों का समूह। स्टेज माने मंच होता है, STAG स्टेज मंच। सिविलियन नागरिक अवार्ड माने क्या होता है, पुरस्कार। क्या होता है, पुरस्कार। अब देखिए कल आज के लिए बच्चों हमारा जो लेसन 2 का पारा नंबर 2 and 3 हुआ, कल आप लोगों को जो है पारा नंबर जो है 4-5 की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल आपको जो है हम पारा नंबर
4 और 5 के बारे में बात करेंगे। बच्चों धन्यवाद।